तो आज मैं आप लोगों के साथ आलू की बहुत ही लाजवाब और टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि देखते ही बनाने का मन करने लगेगा और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लिए हैं 6 बड़े साइज का आलू। इसका जो छिलका था हमने छिल लिए हैं और अच्छे से हम धो लिए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको बॉयल कर लेती हूँ। तो बॉयल करने के लिए यहाँ पर हम लिए हैं एक कुकर। कुकर में डाल देती हूँ 1 लोटा के करीब पानी। पानी डालने के बाद फिर मैं इसमें आलू डाल देती हूँ और 2 सीटी तक हम आलू को अच्छे से बॉयल कर लूँगी। तो आलू को चलिए अब हम बॉयल कर लेती हूँ। तो आलू को हम 1 से 2 सीटी तक हम बॉयल होने के लिए गैस पे चढ़ा देती हूँ। तो जब तक मेरा आलू बॉयल होता है, तब तक मैं इधर दूसरा काम भी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप लोग ना मेरे वीडियो को फुल वॉच करिए, क्योंकि मैं बहुत दिनों से मेहनत कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। आप लोग मेरे वीडियो देखते तो हैं लेकिन लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। तो चलिए आलू को हमने बॉयल होने के लिए गैस पे चढ़ा दिए हैं। जब तक मेरा आलू बॉयल होता है, तब तक मैं इधर मटर छील लेती हूँ। तो देख सकते हैं मटर को भी हमने छील लिए हैं, ज़्यादा नहीं छीले, बस थोड़ा सा छीले हैं। और इधर हम एक छोटा सा प्याज कट किए हैं और 4-5 हरी मिर्च है और 4-5 लहसुन की कलियाँ ली हैं और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिए हैं और थोड़ा सा हम धनिया पत्ता लिए हैं। इन सबको हम अच्छे से चॉप कर लिए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं हम बेसन का बैटर। तो यहाँ पे हम 1 प्लेट के करीब बेसन लिए हैं। अब इसमें डाल देते हैं 2 चम्मच के करीब चावल के आटे। चावल के आटे डालने से ना जो हम आलू के नाश्ते बनाने जा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच के करीब चावल के आटे ऐड कर दिए हैं। अब इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच से थोड़ा कम डालेंगे इसमें हम धनिया पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे जीरा और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम अजवाइन हाथ से क्रश करके। अजवाइन और जीरा डालने से ना टेस्ट बढ़िया आता है। तो बस यहाँ पे हम सारे चीज़ों को अच्छे से डाल दिए हैं। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम बेसन का बैटर तैयार कर लेंगे। तो एक बार हम ज़्यादा पानी नहीं ऐड करेंगे, बस थोड़ा थोड़ा डालकर हम बेसन का बैटर अच्छे से तैयार कर लूँगी। तो देख सकते हैं बैटर भी मेरा अच्छे से तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इसमें हम ना थोड़ा सा हम हल्दी पाउडर ऐड कर देती हूँ। तो हल्दी पाउडर डालने के बाद फिर मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। फाइनली मेरा बेसन का घोल बनकर तैयार हो गया, देख सकते हैं। ना तो ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा है, ना ही ये ज़्यादा पतला है। तो चलिए बेसन का बैटर मेरा बनकर तैयार हो गया है और इधर मेरा आलू भी बॉयल हो चुका था। तो चलिए अब मैं इसको भी मैश कर लेती हूँ। तो हम गिलास की मदद से आलू को मैश कर रही हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ना आलू गर्म था इसलिए हाथ से नहीं हो पा रहा था। तो हमने सोचा चलिए गिलास से अच्छे से मैं आलू को मैश कर देती हूँ। तो अब चलिए दूसरा काम मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे कढ़ाई गर्म हो गया है, तो डाल देते हैं इसमें सरसों का तेल। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें डाल देंगे 1 चुटकी जीरा। जीरा चटक जाने के बाद इसमें डालेंगे हम कटा हुआ हरी मिर्ची। हरी मिर्ची डालने के बाद फिर हम इसको हल्का सा भून लूँगी ताकि इसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो मिर्ची डालने के बाद हम इसको हल्का सा फ्राई कर लिए हैं, देख सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम प्याज। प्याज डालने के बाद फिर इसमें अदरक और लहसुन डाल देंगे और 1 से 2 मिनट तक हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि इन सब का जो कच्चापन है वो बढ़िया से निकल जाए। तो चलिए इसको मैं 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से हमने प्याज अदरक लहसुन और मिर्ची को फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें डाल देते हैं आलू। तो आलू डालने के बाद फिर मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आलू को चलिए अब हम अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसमें डाल दूँगी मटर जो हमने छिलके रखे थे, वही हम इसमें ऐड कर दूंगी। और मटर डालने के बाद फिर मैं इसको 1 से 2 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम में अच्छे से चोखे को फ्राई करूंगी ताकि मेरा चोखा जो है वो अच्छे से फ्राई हो जाए और इसका जो मॉइस्चराइज़र है ना वो ख़त्म हो जाए। तो चलिए इसको मैं 1 से 2 मिनट तक लगातार इसी तरीके से मैं भूनती रहूँगी। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, अच्छे से मैंने चोखे को फ्राई कर लिए, इसका जितना भी मॉइस्चराइज़र था वो ख़त्म हो गया है। तो अब हम डालेंगे इसमें सारे मसाले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी और 1 चम्मच डालेंगे इसमें हम धनिया पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे मिर्च पाउडर टेस्ट लाने के लिए और 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे इसमें हम काली मिर्च पाउडर। तो चलिए सारे मसाले को हम चोखे में डाल दिए हैं। अब अच्छे से चोखे के साथ मसाले को मैं मिक्स कर देती हूँ और मिक्स करने के बाद फिर मैं इसको 1 मिनट तक लगातार इसी तरीके से चलाते रहूँगी ताकि मसाला जो डाले हैं ना वो अच्छे से पक जाए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारे मसाले को हमने अच्छे से मिक्स कर दिए हैं चोखे के साथ और इसका कलर देख सकते हैं कितना अच्छा आया है और मटर भी सीझ गया है। तो चलिए फाइनली मेरा जो चोखा था वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो इसमें अब डाल दें हम थोड़ा सा धनिया।
धनिया पत्ता ऐड करने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो फाइनली मेरा चोखा फ्राई हो गया है, देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही टेस्टी चोखा मेरा फ्राई हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में भी। और अगर इस तरीके से फ्राई करेंगे ना तो सच में बहुत ही लाजवाब चोखा फ्राई होती है। तो यहाँ पे मैंने एक प्लेट में चोखे को निकाल लिए हैं और कुछ देर मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो जब तक मेरा चोखा ठंडा होता है तब तक मैं इधर चटनी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 हरी मिर्च लिए हैं और 4 लहसुन की कलियाँ ली हैं। अब इसमें ऐड कर देती हूँ मैं धनिया। तो धनिया पत्ता को ना मैं छोटे छोटे टुकड़े में कट करके ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अगर डायरेक्ट धनिया डालती हूँ ना बिना कट किए हुए तो जल्दी से पिसा नहीं पाता है, इसलिए मैं यहाँ पर काट करके धनिया को ऐड कर रही हूँ मिक्सी के जार में। तो चलिए यहाँ पर अब एक टमाटर ऐड कर देती हूँ। धनिया में टमाटर डालकर अगर चटनी बनाते हैं ना तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी चटनी बनती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग भी कभी ज़रूर ट्राई करिएगा, अगर इस तरीके से चटनी बनाएंगे ना तो सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए यहाँ पे मैं स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देती हूँ और इसका ढक्कन लगा कर मैं चटनी बना लेती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, चटनी भी मेरा बनकर तैयार हो गया है। तो चोखा भी मेरा ठंडा हो गया है। तो चोखे को ना पहले हम नींबू का शेप दे देंगे, देख सकते हैं इस तरीके से पहले मैं गोल कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं हाथ से दबाकर थोड़ा चौड़ा कर दूँगी। तो जैसे मैं आलू की टिक्की बनाती हूँ ना उसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए सारे को ना मैं इसी तरीके से बनाकर थाली में रख दूँगी। अगर आपका मर्जी है कि लंबा शेप दे तो आप लंबा या गोल बना सकते हैं, आप अपने मर्जी के हिसाब से आप कर सकते हैं, लेकिन गोल बनाते हैं ना तो देखने में अच्छा लगता है, इसलिए हम यहाँ पर नींबू का शेप देकर थोड़ा सा चौड़ा कर देते हैं हाथ से दबाकर। तो चलिए सारे आलू के टिक्की को मैं इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लूँगी। तो सारे आलू के टिक्की को हम बनाकर तैयार कर लिए हैं, देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेती हूँ। तो एक साइड हमने तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे, तो तेल भी मेरा गर्म हो गया है, तो अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं। तो जो बेसन का बैटर तैयार किए थे ना वही बेसन का बैटर लगा कर हम अच्छे से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पर मैं तेल में डालते जा रही हूँ एक एक करके। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सारे आलू के टिक्की को हमने तेल में डाल दिए हैं, अब हम इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से मेरा पक जाएगा तो हम दूसरे तरफ से इसको पलट देंगे। तो इसको ना हम मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई करेंगे, हम ज़्यादा आँच में इसको फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा, इसलिए हम मीडियम टू हाई फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छे से पक जाए। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, आलू चप मेरा बनकर तैयार हो गया है। तो जो मैं आलू का नाश्ता बनाई हूँ ना उसका नाम है आलू चप, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो आप लोग भी कभी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो आलू चप को हम बढ़िया से फ्राई कर लिए, देख सकते हैं चारों तरफ से अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो अब हम इसको ऑयल से निकाल लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी इस तरीके से बनाएंगे ना आलू चप तो बहुत ही लाजवाब बनेगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और घर में भी सभी को पसंद आएगी, बहुत ही आसान तरीके से ये बन जाता है। तो चलिए मैं आप लोग को तोड़कर दिखाती हूँ, देख सकते हैं फ्रेंड्स काफ़ी लाजवाब बनी है और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही कम समय में बन जाता है। तो आप लोग ना कभी ज़रूर ट्राई करिएगा, सच में बहुत ही लाजवाब लगती है खाने में, देख सकते हैं कितना क्रिस्पी बना है फ्रेंड्स। तो आप लोग कभी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ मैंने आलू की छोटी सी रेसिपी शेयर कर दी है, अगर आप लोग को पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। और अगर मेरे चैनल पर जो नए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मैं बहुत दिन से मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग मेरे वीडियो को सपोर्ट करिए और फुल वॉच करिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, चटनी के साथ खाने में ना बहुत ही मज़ा आता है, आप लोग ज़रूर